दर्शकों, रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े किस्से, उनसे जुड़ी कहानियां इस देश को प्रेरित करती रहेंगी। साल था 1998 का और वो ये दौर था जिसमें रतन टाटा टाटा ग्रुप काफी परेशान चल रहे थे। रतन टाटा का हमेशा से एक सपना रहा कि वो भारत को कार ब्रांड में नंबर वन बनाएंगे, वो भारत को एक ऐसा देश बनाएंगे कि भारतीय कार दुनिया भर में निर्यात हो सके, और उस दौरान ये सपना उनका था। और इसी के लिए उन्होंने इंडिका और इंडिगो, आपको याद होगा इंडिका नाम की एक कार लॉन्च हुई थी, बहुत ही प्रीसियस, और ये कह लीजिए कि एक सपना था रतन टाटा का कि इंडिका को एक ब्रांड बना दें। लेकिन वो सपना बहुत जल्दी क्रैश हो गया, टाटा मोटर्स के शेयर धीरे धीरे नीचे आने लगे और हालात ये हो गए कि रतन टाटा टाटा मोटर्स को बेचने का सोचने लगे। इंडिका प्रोजेक्ट बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था, और दिक्कत यह थी कि उस समय जो टाटा कार बनाया करती थी जिसका नाम इंडिका था और इंडिको, इस नाम से बहुत सारी कार्स आ रही थी, उन कारों में दिक्कत यह थी कि उनके इंजन में काफी आवाज आने लगता था थोड़े समय के बाद, और यही कारण था कि टाटा मोटर्स ने यह तय किया कि वो इसको बेच देंगे। माली हालत भी टाटा की ठीक नहीं थी, और उस समय इन्होंने कंसल्ट किया था अमेरिका की बड़ी कंपनी फोर्ड से। फोर्ड उस समय दुनिया की जानी मानी कार कंपनी हुआ करती थी, और उसी मीटिंग के लिए लंदन गए थे हमारे रतन टाटा, और वहां इनकी मुलाकात होनी थी बिल फोर्ड से। इन्होंने ये ऑफर किया था कि ये अपनी कंपनी बेचना चाहते थे, मतलब टाटा मोटर्स को बेचने के ख्याल से रतन टाटा लंदन गए, वहां इनकी मुलाकात बिल फोर्ड से होनी थी। मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बिल फोर्ड ने कुछ ऐसी बातें रतन टाटा को कह दी जो शायद नहीं कहते तो आज फोर्ड की भी कहानी अलग हो सकती थी और टाटा की भी कहानी कुछ और होती। उस मीटिंग में बिल फोर्ड ने यह कह दिया कि तुमको जो है ये इस तरह की कार बनाने का सपना या सार्वजनिक वाहन क्षेत्र में तुमको नहीं आना चाहिए था। दूसरी बात उन्होंने कह दी कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे डील करूंगा, और यह सुनने के बाद बताया जाता है कि रतन टाटा को यह बात यहां लग गई दिल में, और महज 8 या 10 साल का वक्त होगा, 2008 का वो दौर जब मंदी आता है, अमेरिकी मंदी पूरी दुनिया को परेशान करता है और उसमें फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ जाती है, जबकि टाटा मोटर्स अपने सर्वाइवल से निकलकर एक नई यात्रा पर चल पड़ती है। और ये वो दौर था जहां टाटा की यह हैसियत होती है कि जब फोर्ड अपनी दो ब्रांड्स को बेचने का सोचता है जिसमें जैगुआर और लैंड रोवर होता है, और 2008 में 1998 के उस अपमान का बदला रतन टाटा एक बड़ी डील से चुकाते हैं। $3 बिलियन के आसपास की ये डील होती है जिसमें टाटा ग्रुप फोर्ड ग्रुप के दो ब्रांड्स लैंड रोवर और जैगुआर दोनों खरीद लेता है, और उसके बाद दुनिया में एक तरह से हाहाकार मच जाता है कि टाटा ने किस तरह से अपने उस पुराने अपमान का बदला ले लिया। यही वक्त होता है दोस्तों, एक वक्त वो था जब रतन टाटा खुद बिल फोर्ड तक चल करके गए थे कि मेरी कंपनी नुकसान में, मैं ये बेचना चाहता हूं, इसे खरीद लीजिए, और बिल फोर्ड ने तब रतन टाटा का दिल दुखाया था, और महज 8 या 10 साल के अंतर पर फोर्ड की मंदी में ऐसी हालत हो गई कि फोर्ड अपने दो ब्रांड्स जो है बेचना चाह रहा था, और उस समय किसी की दुनिया में बड़े से बड़े उद्योगपति की हिम्मत नहीं हुई कि वो इन दो ब्रांड्स को खरीद पाता। टाटा ने वो ब्रांड्स खरीदे, और ब्रांड्स खरीदे ही नहीं, आज जैगुआर और लैंड रोवर का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है और ये गाड़ियां दुनिया भर में भेजी जा रही हैं, वो चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, यूरोपीय देशों, मिडिल ईस्ट के देशों, वहां स्टेटस सिंबल हो गया है जैगुआर और लैंड रोवर। और इस अधिग्रहण के बाद टाटा मोटर्स की भी कहानी बिल्कुल बदल कर रख दी इस अधिग्रहण ने, क्योंकि टाटा ने भी लगातार जो उनकी गाड़ियां हैं उनको जैगुआर और रेंज रोवर के प्लेटफॉर्म पर बनानी शुरू कर दी, वो चाहे टाटा की नई सफारी हो, हाल फिलहाल आपने देखी होगी, हैरियर देखा होगा, या इसके अलावा और भी बहुत सारी गाड़ियां हो, चाहे नेक्सॉन हो या फिर पंच आपने देखा होगा, ये सारी गाड़ियां जो है टाटा धीरे धीरे ये रेंज रोवर और जैगुआर के प्लेटफॉर्म पर बनाने लगे। वो सारी परेशानी जो टाटा के इंजन में हुआ करती थी वो परेशानियां टाटा मोटर्स ने दूर कर ली। आज टाटा मोटर्स देश का बड़ा ब्रांड है, और यही नहीं, दुनिया भर में टाटा की गाड़ियां टाटा के लोगों के साथ जाती हैं। भारी वाहन के क्षेत्र में टाटा हमेशा से बड़ी कंपनी है, अब
कार के क्षेत्र में, एसयूवी के क्षेत्र में भी टाटा एक बड़ा ब्रांड बन गया है। तो एक वो डील जो मना कर दी थी उस बड़ी कंपनी ने यह कह के कि तुम इंडियंस को कार बनाने का सोचना ही नहीं चाहिए था। और 2008 में वही इंडियन जाता है और उस अमेरिकी कंपनी की दो बड़े ब्रांड्स को खरीद लेता है और अब टाटा बकायदा मैन्युफैक्चरिंग करती है JLR मतलब जगुआर और लैंड रोवर का इस देश में। किसी भारतीय के लिए ये कितने बड़े गौरव की बात है। मैंने कहा आपसे जगुआर लैंड रोवर जैसी गाड़ियां खरीदना हर आदमी का सपना होता है और ये कितनी अच्छी बात है कि ये ब्रांड्स अब इंडियन ब्रांड्स हैं। 2008 से भारत में प्रोडक्शन हो रहा है और ये खरीद लिया था टाटा ने। तो हमेशा से रतन टाटा का एक सपना रहा था, वो जो कार से रिलेटेड लोग सपने की बात करते हैं कि नैनो से जुड़ी हुई कहानी, ये वाली कहानी वो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता फोर्ड कैसे वो मना कर देता है और एक वक्त पे जब वो सबसे मुश्किल में रहता है रतन टाटा उस कंपनी की मदद करते हैं और कंपनी खरीद लेते हैं।